हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही टेस्टी आलू अंडे की सब्ज़ी बनाना बताऊंगी। तो कैसे बनती है, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमने अंडा बॉयल किया हुआ है, देखिए ये हमारी अंडा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी बॉयल करे आलू है, तो दोनों बॉयल किया हुआ यानी कि उबाला हुआ है आलू भी और ये अंडा भी। और यहाँ पर हमने ये दो बड़े साइज का प्याज कट किया है, यहाँ पर हमने दो टमाटर, यहाँ पर हमने धनिया पत्ता कट किया है, यहाँ पर हमारा ये तेज़पत्ता है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा सारा ये मसाला है, यानी कि ये लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, ये थोड़ा सा हमारा ये ब्लैक पेपर जो होता है, काली मिर्च पाउडर, ये हमारा जीरा पाउडर थोड़ा सा है, और ये हमारा 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है, और यहाँ पे हमने आधा चम्मच ये गरम मसाला और आधा चम्मच हमने यहाँ पे ये धनिया पाउडर लिया है, और ये नमक आप स्वाद अनुसार आप रखेंगे। तो बनाएंगे कैसे, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये अंडे को फ्राई करना है, तो चलते हैं अंडे को फ्राई करेंगे। तो हमें प्रेशर कुकर में ही ये आलू अंडे की सब्जी बनानी है, तो चलते हैं प्रेशर कुकर में कैसे बनती है, चलिए बहुत ही ईजी है ये बनाना। तो फ्रेंड्स, हमने ये चूल्हे पे प्रेशर कुकर रख लिया है, हमें गैस को ऑन करना है। अब ये हमारी जब गर्म हो जाएगी तो इसमें हमें सरसों का ऑयल यानी कि सरसों का तेल डालेंगे। देखिए इसमें हमने ये, तो हमें अंडा फ्राई करना है, तो यहाँ पे हमने ये फ्राई करने के लिए तेल डाला है। अब हमें क्या करना होगा, ये जब तेल हीट हो जाएगी तो सारे अंडे को आपको क्या करना है, इसे इस तरह से 2-3 जगह इसे कट कर देंगे, ठीक है, तभी आपके अंडा जो ये अच्छे से फ्राई होगी, नहीं तो ये उड़ने लगेगी। देखिए ये सारे पे कट कर लेते हैं, जितना अंडा है ये सारे में इस तरह से आपको कट करके ही इसे फ्राई करनी है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये तेल जो है वो गर्म हो गई है, इससे धुआं आने लगा। अब हमने ये जो हमारा अंडा है ये कट किए थे, अब ये सारे कुछ मदद करके फ्राई करेंगे अच्छे से। ये देखिए तेल आप इतना डालेंगे कि आपका अंडा जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। जब ये हमारी अंडा ब्राउन हो जाएगी तभी इसे हम निकालेंगे, अब इसे चलाएँगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्राउन होने तक इसे हमें चलाना है। ये देखिए तभी तो चारों तरफ का हमारा अच्छे से ये ब्राउन हो जाएगा ये अंडा, तो इसे क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अच्छे से ये ब्राउन हो चुका है, अब इसे हमें निकालना है। ये पूरे में हमें ये देखिए कहीं कहीं नहीं है, ये चारों तरफ जब ब्राउन हो जाएगी तभी ये हमारा अंडा अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अब इसे निकाल लेते हैं, ये हमारी फ्राई हो गई, अब इसे निकाल लेंगे। ये देखिए अब ये निकाल करके इसे प्याज को हमें फ्राई करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये निकाल लेते हैं, हमारी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है इसी प्लेट में। अब हमें प्याज को इसमें डालना है, तो जो तेल हमने तेल ज़्यादा ही डाला था इसमें ये प्याज को डाल करके अब इसे ब्राउन करेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें सारे प्याज को डाल दिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जब ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें ये जो हमें तेज़पत्ता है इसे भी डाल देते हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स जब तक ये हमारा प्याज ब्राउन नहीं होगा तब तक हमें इस तरह से इसे चलाते रहना है। ये देखिए, नहीं तो अगर नहीं चलाएंगे तो ये जल जाएगी एक साइड की। ये देखिए इस तरह से हम चला करके इसे अच्छे से ब्राउन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारी प्याज जो है वो अच्छे से ये ब्राउन हो गई। अब हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारी लहसुन की पेस्ट है, ठीक है, इस लहसुन के पेस्ट को डालेंगे इसमें। लहसुन के पेस्ट को डाल करके इसे अच्छे से चलाना है। फ्रेंड्स, ये लहसुन के पेस्ट को अच्छे से डाल करके इसे चला लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें सारे मसाले को डालना है, ठीक है, इस तरह से नमक भी हमने ये डाल लिया। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार रखेंगे, आप कम रखना चाहें तो कम, ज़्यादा आप टेस्ट के करके नमक रख लेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, पानी थोड़ा सा डाल करके अब इसे चलाना है। चलते हैं, इसे अच्छे से चलाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो मसाला फ्राई हो जाएगा अच्छे से, तो हमें इसे 10 मिनट तक इसे मसाले को फ्राई करनी है यानी कि पकाना है।
जब हमारे ये मसाले से तेल अलग अलग निकलने लगेगा तब आप समझ जाएंगे कि आपकी ये जो मसाला अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो ये हमारा जब मसाला फ्राई हो जाएगा तब हमें ये जो हमने ये आलू है और ये हमने एक ये गाजर कट किया था, ठीक है, क्योंकि हमें गाजर भी रखना था क्योंकि इसे टेस्ट बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये हमें गाजर और आलू को डाल करके इसे थोड़ा सा पहले फ्राई करेंगे। तो मसाला फ्राई होने के बाद ही ये आलू और गाजर को दोनों को रखेंगे मसाले में। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा अभी भी मसाला ये फ्राई नहीं हुआ है, तो अभी इसलिए हमें 2 मिनट तक और फ्राई करनी है। तो इसे क्या करते हैं, ये इस ढक्कन से इसे ढक देते हैं। तो फिर इसे खोल कर चेक कर लेते हैं फिर से। तो ये देखिए, तो हमारी ये मसाला जो है वो अच्छे से फ्राई हो गई, क्योंकि ये मसाले से हमारा ये जो तेल है अलग अलग ये देखिए निकलने लगा है। तो हमें सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें ये टमाटर, ये जो हमारी कटी हुई टमाटर है, ये टमाटर पहले डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमें टमाटर डाल देते, इसे चलाना है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने गाजर और ये आलू को जो कट किया था, ठीक है, इसे भी डालना है। देखिए इसे, ये हमने उबाला हुआ आलू है हमारा, ये सारे को इसमें डाल करके ये देखिए, अब इसे चलाएंगे, इसे अच्छे से 5 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे आलू और ये गाजर को मसाले में। जब हमारा अच्छे से ये फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें बॉयल किया जो हमने अंडा फ्राई किया उस अंडा फ्राई को इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा गाजर और आलू भी अच्छे से मसाले के साथ ये हमारा फ्राई हो गया है। अब हमें इसमें पानी डालना है, ठीक है। तो पानी आप जितना डालेंगे, तो ये हमें 1 गिलास इसमें पानी डालेंगे। तो ये हमें पानी डाल दिया। अब हमें इसमें ये जो हमने अंडा फ्राई किया था ये अंडे को इसमें डालना है। अब इसे फिर से चलाना है। धनिया पत्ता अभी हम नहीं डालेंगे, वो बाद में डालेंगे। ये हम चला करके अब ये प्रेशर कुकर को हमें क्या करना है, बंद कर देना है। प्रेशर कुकर को बंद करके हमें इसे 1 सीटी लगानी है, क्योंकि बॉयल किया हुआ हमारा आलू था तो ज़्यादा सीटी नहीं लगाना, तो ये 1 सीटी लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, गैस को बंद कर देना है। तो फ्रेंड्स ये हमारी 1 सीटी लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये गैस को बंद कर देना है, ठीक है। उसका सीटी निकल जाएगी, तब हमें क्या करना है, जब ये ढक्कन को खोल करके हमें धनिया पत्ता डालना है। हमारी ये सीटी निकल चुकी है, अब हमें ये इस ढक्कन को खोलना है। ये देखिए, अब एक बार चेक कर लेना है, ये हमारी सब्जी आलू अंडे की सब्जी ये बनकर रेडी हो गई। अब हमें इसमें क्या करना है, धनिया पत्ता डालना है। चलते धनिया पत्ता डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स हमें एक बार गैस जला करके, ठीक है, जब इसमें बबल्स आने लगे तो ये सारे धनिया पत्ता को डाल करके गैस बंद कर देना है। तो हमारी ये आलू अंडे की सब्जी बनकर रेडी हो। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी था आलू अंडे की सब्जी बनाना। तो ये हमने प्रेशर कुकर में बनाया है। इस तरह से प्रेशर कुकर में आलू अंडे की सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो फ्रेंड्स आज की हमारी आलू अंडे की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी, नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो करनी लाइक, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को करना सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।